भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन यह देवी के साथ समाज द्वारा समय समय पर दुर्व्यवहार होता रहता है। लेकिन कहते हैं ना, हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर महिला ममता की मूर्ति हो यह जरूरी भी नहीं। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में स्त्री को देवी का दर्जा दिया है, पर कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो अपने कुचरित्र की वजह से अपने से जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती है। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने में शर्म नहीं आती। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं और ये साथी तरीके से सभी को अपने प्रेमजाल में फंसाए हुए रखती है। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंध ये किसी और पुरुष के साथ बना रही होती है। ऐसी महिलाएं प्यार किसी और से जताती है और प्यार करती किसी और पुरुष से। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोगों को लुभाते देखा जा सकता है। ऐसी महिलाएं पूरी कोशिश करती है कि लोग उन्हें देखें, इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। चरित्रहीन महिलाएं किसी एक पुरुष की नहीं होती है, उनका प्रेम, उनका साथी उनकी ज़रूरत के हिसाब से बदलता रहता है। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिला जिसकी पैर की कनिष्ठ उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श न करती हो और अंगूठी के साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज़्यादा लंबी हो, ऐसी स्त्रियां हालात और परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती है। ऐसी ऐसी महिलाएं सौभाग्य में बहुत क्रोधी होती है, उन पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है। इनके चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिस महिलाओं की पैर पिछला भाग अत्यधिक मोटा होता है, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ माना जाता है। इसके उल्टा पैर की पिछले भाग बहुत ज़्यादा पतला या सूखा हो, ऐसी महिलाएं आपके जीवन में विभिन्न प्रकार से पीड़ा का सामना कराती है। महिलाओं के पेट यदि लंबा या गद्देदार होती है, यह सब खराब किस्मत की निशानी होती है। ललाट या माथा यदि लंबा होता है, ऐसी महिलाएं अपने देवर के लिए अशुभ होती है। जिन महिलाओं की पेट लंबा होता है उसे ससुर के लिए और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। जिन महिलाओं की होठे के ऊपर भाग में अधिक बाल होता है, कद बहुत लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। जिन महिलाओं के कानों में अधिक मात्रा में बाल होती है, उनका आकार एक सा नहीं रहता, ऐसी स्त्रियां घर में दुख वजह बनाती है। मोटे लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। और जिसके मसूड़े काली होती है, यह भी दुर्भाग्य की निशानी है। चाणक्य नीति में यह भी बताया है कि जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है, तो ऐसी महिलाओं भी निष्पत्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज़्यादा होती है, वह महिलाएं अपने ही वंश की विनाश का कारण बनती है।